हम लोग सोच के आए थे कि आज रात सैटरडे नाइट है तो कुछ क्लब व्लब जाएंगे, तो क्लब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये दिल से बोल रहा हूँ। आप लोग देख ले, बहुत ही पारिवारिक माहौल है क्लब में, और यहाँ पे क्लब में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लेडीज़ हैं, और आपको ये देखे क्लब कैसा है, आपको दिखा रहा हूँ क्लब। तो ये है सेमी का क्लब, और इनसे अभी पूछा मैंने कि देखो यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं, इनसे पूछा कि यहाँ पे क्लब पार्टी वार्टी टाइप क्लब नहीं है क्या, तो ये बोले नो क्लब इन सेमी। अब ये अंडरस्टैंडिंग में समझ में नहीं आया या उसमें समझ में नहीं आया, वो अभी देखा जाएगा। अभी बस इससे हम लोग आगे जाके हम लोग को पता चलेगा क्लब है कि नहीं है, अब देखते हैं, आज ही पता चलेगा। भाई लोग अभी हम लोग इस क्लब में आए थे जो कि टाइम आउट रेस्टोरेंट बार, हम लोग को लगा क्लबिंग व्लबिंग होगा, तो यहाँ पे सारे बुढ़े तो नहीं थे, बुढ़िया और बच्चे थे इसमें, अपने पतियों को हाँ इधर पे थे। हमें लगा कि यहाँ पे कुछ क्लबिंग व्लबिंग होगा, अभी सामने वाले क्लब में चलते हैं इसमें। तो इसमें ये इंसिडेंट क्या हुआ मानसी अभी अपने साथ कि हम लोग को हाँ तो अभी फॉरेनर वाला फील क्या था हम लोग के साथ कि हम लोग जा रहे थे तो बोलता फोटो, मेरे को लगा वैन चोद ये मेरे फोन से फोटो लेगा, तो ये बोल रहा मेरे से कि तो मेरे से बोलता है कि फोटो विथ यू, तो बोले चलो ठीक है यार तुम हम लोग के साथ फोटो ले लो, तो फिर हम लोग के साथ फोटो लिया ये। तो प्राउड मोमेंट फॉर इंडियंस, और इंडियंस का यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है इंडियंस का। तो आप लोग जय हिंद जय भारत। तो अभी हम लोग ये क्लब चेकआउट करने जाएंगे कि ये क्लब कैसा है और यहाँ का नाइट लाइफ कैसा है, इसके बारे में हम लोग आप लोगों को अपडेट देते जाएंगे। ठंड तो बहुत है और हवा बहुत तेज चल रही है, और इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा कि भाई नाइट लाइफ कैसा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर के कारण हम लोग यहाँ पर पता नहीं कर पाते हैं कि भाई क्लब कैसा है कि क्लब कहाँ है। तो एक पता चला है क्लब यहाँ से 14 मिनट रास्ते पे है, 14 मिनट दूर पे है, जोरो क्लब। तो लेकिन यूक्रेन वाला फील नहीं आ रहा है, यूक्रेन में हम लोग उसके बारे में एक कहानी बताऊंगा आप लोगों की कि यूक्रेन में हम लोग एक बार क्लब बंद था तो क्या किए थे, वो कहानी इस क्लब के आने के बाद बताऊंगा। हम लोग का यहाँ पे बहुत बड़ा पोपट कटा है, बहन चोद नाम तो है लोटो क्लब, अंदर गए तो सब गेम खेल रहे थे और टीवी लगा हुआ है, नो क्लब नो नाइट क्लब बिकॉज ऑफ रमजान, मतलब रमजान चल रहा है इसके कारण से यहाँ क्लब नहीं चल रहा है। तो अब हम लोग भाई कहाँ जा रहे हैं, हम लोग सुपर मार्केट जा रहे हैं अदाल, वहाँ से खाना वाना लेंगे कुछ, और खाना खा के फ्लैट जाके सो जाएंगे। जो भी था यहीं तक था गाइस। तो हम लोग नाइट आउट के लिए तो निकले थे ही, तो ये नाइट आउट हमारा सुपर मार्केट पे आके ठहर गया तो कैसा रहा आज का नाइट आउट भाई? तो हम लोग ये ग्रोसरी लिए हैं अभी, चिप्स पैकेट वैकेट ये सब, क्या भाई घर पे ही जाके क्लबिंग तो नहीं, थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, और सैटरडे नाइट का कोई भी मतलब नहीं है यहाँ। होगा भाई लेकिन मेरे को पता नहीं है कि कहाँ है, सुनने में तो आया है, अब बोल रहा है कोई रमजान के कारण बंद है, किस चीज़ के कारण बंद है, अब यहाँ कैब आएगा, हम लोग जाएंगे यहाँ से 50 रुपये में कैब आ रहा है, 200 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हुआ भाई? यहाँ पे सारे मुस्लिम ही आते हैं, रमजान के कारण क्लब बंद कर दिया। अगर ग्लास ट्रक कैब आया कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, कॉल कर देगा, जो भी है सब सही है। सुपर मार्केट आए हम लोग, अपना सब सामान ले लिए और अब हम लोग क्लब जाते हैं, माहौल ठीक ही है। अब जब हम लोग क्लब मिलेगा यूक्रेन जैसा, अच्छा आप लोगों को कहानी सुनाने वाला था यूक्रेन का क्या सीन था, तो आप लोगों को कहानी बताने वाला था 288 हाँ यही तो हम लोग की कैब आ चुकी है, कहानी बताता हूँ आ जा एक मिनट हम लोग को कैब में बैठने तो फिर आपको कहानी सुनाऊंगा। डोबरे वेचर यहाँ हम लोग क्लब से, क्लब था ही नहीं तो हम लोग क्लब खोज के परेशान हो गए, अभी हम लोग जा रहे हैं
लव तो मिला नहीं, तो आपको अब घर जाके कहानी सुनाएंगे कि भाई यूक्रेन का लव स्टोरी एक कि हम लोग फर्स्ट ईयर में जितना मौज करना है भाई फर्स्ट ईयर में कर लो, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा आने वाला है सब पे। तो ये तो बहुत ज़्यादा मौज किया हम लोग, तो जैसे अभी इस कंट्री में हम लोग न्यू हैं, हम लोग को पता नहीं है कि भाई कौन सा जगह पे क्या है नहीं है, तो सेम ऐसे हम लोग को यूक्रेन में भी पता नहीं था कि कौन चीज़ कहाँ पे है और कौन सा क्लब कहाँ पे है। तो हम लोग एक दूसरे से पूछ पूछ के नो नेम क्लब TNMU वाले कनेक्ट कर पा रहे होंगे, एलूर पूछ पूछ के हम लोग एलूर तक पहुँचे, नो नेम तक पहुँचे। लेकिन इस बारे में आपको फ्लैट जाके बताऊँगा कि भाई क्लब एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा था, और यहाँ तो आज रात क्लब मिला नहीं, जो भी है कुछ दूर पे है क्लब। तो हम लोग सोचे अब यहाँ खाओ पियो रेस्टोरेंट बार में और वापस चलते हैं फ्लैट पे, वहाँ पे खाते पीते आपको पूरा स्टोरी बताऊँगा कि है कैसा क्लब का स्टोरी। तो बात यहाँ है कि तो हम लोग का क्लब का क्लबिंग का तो प्लान चौपट हो गया, तो अब हम लोग घर पे, भाई वो तो खिचड़ी खाएगा, मानसी तू क्या खाएगी, मानसी भी खिचड़ी खाएगी, और मेरा जिम रहता है तो मेरे को चिकन खाना है, चिकन खाना है, वो तो मेरा मजबूरी है या डाइट कंप्लीट करना है, और ये दोनों नॉन वेज, ये दोनों वेजिटेरियंस हैं। तो अब नेक्स्ट प्लान है कि खाना बनाओ, खाना खाओ, जल्द ही आपको फ्लैट टूर ही दूंगा, टूर भी दूंगा, जिस जो कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है।